नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। कोयलांचल के आसपास के क्षेत्र में काम करने वाली विभिन्न ट्रांसपोर्ट कंपनियों एवं कोल व्यवसायियों से टीपीसी के नाम पर लेवी मांगने के दो आरोपियों को पिपरवार पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इससे पहले इसी कांड में दो आरोपियों को पहले भी जेल भेजा जा चुका है। इस संबंध में टंडवा SDPO शंभू कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि विगत कुछ महीनों से क्षेत्र में काम करने वाली विभिन्न ट्रांसपोर्ट कंपनियों एवं कोल व्यवसायियों से फोन पर लेवी की मांग की जा रही है। इसको संज्ञान में लेकर 17 अगस्त को पिपरवार थाना कांड संख्या 38 22 की धारा 385 387 34 एवं 17 CL एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मेरे नेतृत्व में एक टीम बनाकर छापेमारी की जा रही थी, जिसमें कार्रवाई करते हुए दो अपराधियों मोहम्मद इमरान पिता मोहम्मद इस्लाम एवं मोहम्मद आसिफ पिता मोहम्मद जब्बार को पहले गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए जेल भेजा गया था। पूछताछ में इन लोगों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अन्य दो अपराधियों समरीत गंजू उर्फ मलिंगा पिता रथुआ गंजू साकिन हेंदगिरी थाना केरेडारी जिला हजारीबाग वर्तमान पता सियाल थाना भुरकुंडा जिला रामगढ़ एवं सिद्धेश्वर कुमार भोक्ता उर्फ सिद्धू पिता राम कुमार भोक्ता शौकीन उर्वा डुमरिया टोला जिला रामगढ़ को होशित और हिंदेगिर के बीच गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक राउटर, विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड, एक अपाची मोटरसाइकिल, विभिन्न कंपनियों के तीन मोबाइल सेट, कांड में प्रयुक्त नंबर का जियो कंपनी का सिम कार्ड बरामद किया। गिरफ्तारी करने गए छापामारी दल में गोविंद कुमार थाना प्रभारी, पुलिस अवर निरीक्षक कन्हैया कुमार एवं रुपेश कुमार महतो के साथ थाना का सशस्त्र बल शामिल था। जीवन 24 के लिए खलारी रांची से पवन गुप्ता की रिपोर्ट। अभी कुछ दिनों से पीपरवार और टंडवा क्षेत्र में जो कोयले के व्यवसायी हैं और ट्रांसपोर्टर हैं, उन लोगों से टीपीसी संगठन के नाम पर लगातार लेवी और अंगदारी की मांग की जा रही थी। इसकी सूचना पर पीपरवार थाना में पीपरवार थाना कांड संख्या 38-22 दिनांक 17-8-22 अगेंस्ट अननोन टीपीसी उग्रवादियों के खिलाफ कांड दर्ज किया गया था। इस कांड के अनुसंधान के क्रम में कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जिसके आलोक में पूर्व में मतलब दो अपराध कर्मी को 24/8/2022 को गिरफ्तार किया गया था, जो रामगढ़ के रहने वाले थे, जिनका नाम मोहम्मद इमरान और मोहम्मद आशिफ है। दोनों नई सराय बस्ती थाना रामगढ़ के हैं, जिनको गिरफ्तार करके पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। इसी क्रम में उन लोगों के निशानदेही और आगे के अनुसंधान के क्रम में दो अन्य महत्वपूर्ण अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। कल गिरफ्तार किया गया है, जिसमें समरजीत गंजू उर्फ मलिंगा हैं, दूसरे सिद्धेश्वर भोक्ता उर्फ सिद्धू जी, ये दोनों एक हिंदेगिर हजारीबाग का रहने वाला है थाना केरेडारी, दूसरा डुमरिया टोला रामगढ़ का रहने वाला है। इनके पास से सबसे महत्वपूर्ण जिस नंबर से रंगदारी मांगी जा रही थी, वो सिम कार्ड बरामद किया गया है। इसके अलावा एक राउटर है, कई कंपनियों के सिम कार्ड्स हैं, एक अपाची मोटरसाइकिल और तीन मोबाइल को जब्त किया गया है। इनकी गिरफ्तारी से फिलहाल इस क्षेत्र में सक्रिय अन्य जो इनके आर्म विंग है, उनका भी सत्यापन हो गया। कौन कौन से अपराध कर्मी हैं, उनके हाइडआउट्स के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, जिस पर लगातार छापेमारी की जा रही है और शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन चार अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी से फिलहाल इस क्षेत्र में जो अभी सक्रिय नेटवर्क है टीपीसी संगठन और टीपीसी संगठन के नाम पर जो अपराध कर्मी अपराध करने के फिराक में थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है और आने वाले टाइम में जो शेष इसके और अपराध कर्मी बचे, उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। इनका पहले कभी कुछ आपराधिक इतिहास रहा? पहले ये सभी का, ये जो दो आज जो जा रहे हैं, दोनों का आपराधिक इतिहास रहा। पूर्व में ये जेल जा चुके हैं रंगदारी और ऐसे ही मामले। सर, इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? इनकी गिरफ्तारी हिंदेगिर वाले जो रोड है उसी तरफ से किया गया, उसी बस्ती के आगे से।